गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्णा, वेलकम टू द माय न्यू व्लॉग हर हर महादेव। कैम छो, आई होप के सेफ ठीक होंगे। तो आज एक नया काम और आज एक नया दिन, तो हम मिल चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज मूंगफली को निकालना है हमारे ट्रैक्टर से, साहब पीछे पीछे उसकी इकट्ठा भी उसको करते जाएंगे। तो आज काम का लोड ज्यादा है और देखते हैं कि आज देखना है मूंगफली कैसे निकालते हैं, उसका कैसे इकट्ठा करते हैं। तो चलो आगे वीडियो में बढ़ते हैं। लेकिन आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे वीडियो में जो कल के वीडियो में थोड़े से व्यू ज्यादा आए थे, तो थैंक यू। और अभी ऐसे तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और आगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भेजते रहिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलो चलते हैं खेत में। तो ट्रैक्टर साथ में हमारे दादा और दादी वो भी मौजूद है, पहुंच चुके हैं खेत में, हम भी आ गए। तो चलो ट्रैक्टर भी वहां पे जा रहा है अपने काम पे, तो देखते हैं कि वो किससे काम करता है। ट्रैक्टर चला रहे हैं हमारे पापा और पीछे मूंगफली इकट्ठी करेंगे हमारे दादा और दादी। अभी बारिश आना स्टार्ट हो गई, अभी बजे दोपहर के 12:30 और हमने मूंगफली निकाल लिया है। लेकिन मूंगफली निकालते ही थोड़ी सी रह गई है, मूंगफली निकालते ही बारिश आना स्टार्ट हो गई। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बूंदे पड़ रही है, पानी देखो यहाँ पे दिख रही है और यहाँ पे तो नहीं दिखेगा क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है।
तो अब देखते हैं, अगर जो बारिश रुक गई तो ये फसल मतलब जो मूंगफली अच्छी रहेगी, जो बारिश स्टार्ट हो गई तो ये पूरी मतलब कि इसका एक काले पड़ जाएंगे जो मूंगफली होती है, वो उसके दाने और थोड़े से बिगड़ जाते हैं। तो अभी देखते हैं थोड़ी देर में कि क्या माहौल वो रहता है। वैसे तो कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे बादल वो थोड़े से है और यहाँ पे कुछ है नहीं, तो इसकी वजह से थोड़ी सी संभावना कम रहेगी क्योंकि बारिश आने की। लेकिन अभी आ रही है तो इसके कुछ कह नहीं सकते, अगर जो बढ़ गई तो क्योंकि हमारे आजूबाजू के विस्तार में आप देख ही सकते हैं कि अहमदाबाद सूरत में बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है। तो इसी के साथ हमारे यहाँ पे तो है गाइज गुड इवनिंग। तो अभी हमारे जो घर का बाजरा था तो आज उसको निकालना है, तो उसके लिए थ्रेसर आ गया है। थोड़ा सा लेट हुआ था बाजरा की बुआई, तो उसकी वजह से अभी लेट हुआ है। तो जो दोपहर को बारिश आने वाली थी तो अभी बारिश आई नहीं है, तो भगवान का शुक्र गुजार है कि बारिश नहीं आई है। तो अभी देखो हमारे मनुआ में आ गए थ्रेसर लेके, तो चलो बढ़ते हैं हम बाजरे की ओर और देखते हैं कि कैसे निकलता है। तो बाजरे की लोरी अभी यहाँ पे आ गई है और इसको हम घर में डालना है। तो वो अभी नहीं, वो सुबह में डालना होगा, रात बहुत हो गई है। तो थोड़ी देर में अभी रात खाना खा के, अभी तो घंटे दो घंटे की देर है कि फिर मस्त आराम करेंगे, क्योंकि आज काम बहुत था, मूंगफली निकाली है और सब। तो आज अभी देखो कि यहाँ पे ट्रैक्टर पूरी तरीके से आज पूरा दिन आप देख लो कि हमने मूंगफली निकाली है। फिर उसके बाद डायरेक्ट बाजरा निकालने के लिए थ्रेसर आया था तो वो भी निकाला है। तो थोड़ा मतलब काम इतना तो कुछ ज़्यादा नहीं था और कुछ थकावट भी नहीं लगी है बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर में आराम करेंगे। तो मैं अभी वीडियो में विदाई लेता हूँ, कल मिलेंगे हम नए वीडियो में। तो तब तक के लिए आप हमारे वीडियो में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे के आगे भेजते रहे, क्योंकि आपका हर एक सपोर्ट हमें बहुत सारे मुकाम तक ले जाएगा। तो मैं यही जाता हूँ कि सपोर्ट करते रहना, और ऐसे ही शाम हो गई और फिर एक नया दिन आएगा, फिर एक नया सूरज आएगा। तो बस हमें वो सूरज की दे रहे हम सुबह की, कि एक बहुत ही बढ़िया खुशी
मिलेगी। जो दे सकते हैं तो वो एक ही इंसान है, वो सब आप है। तो कोई बात नहीं, आपके हाथों में क्या कुछ भी करना। तो चलो और मिलते हैं, बाय बाय, हर महादेव। तो सबको टेक केयर और गुड नाइट। मैं थोड़ी देर है लेकिन अभी तक मैं कह देता हूँ, चलो बाय बाय, हर महादेव।